तो असली लाभार्थी विदर्भ इन्फोटेक है। किसान बेचारों को कोई लाभ नहीं हुआ, गांव में जो तालाब बनाने के लिए तड़प रहे हैं, इरिगेशन का मदद लेने के लिए तड़प रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सही मायने में कोई लाभार्थी है तो विदर्भ इन्फोटेक है, क्योंकि इस कंपनी के पास सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं फडणवीस साहब, तब से इस कंपनी को ढेर सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और एक एक कॉन्ट्रैक्ट का मामला निकल कर अभी आने वाला है। इसलिए बेहतर होगा मुख्यमंत्री इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करें और इसकी जांच शुरू करें और इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करें। पिछले हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री प्रवीण दराड़े जी जब जब जिस जिस डिपार्टमेंट में पहुंचे उस डिपार्टमेंट ने विदर्भ इन्फोटेक को काम दिया। कभी एनआईटी में थे, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे, या फिर सीएम ऑफिस में आते हैं, उसके बाद एमएमआरडीए में जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेल ये बताता है कि इस अधिकारी की विशेष रुचि रही है इस कंपनी को धंधा देने में, और ये अधिकारी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी रहे। आज एक और अधिकारी का नाम इसमें जुड़ रहा है जिनकी चिट्ठी उनके सिग्नेचर के साथ मैंने आपके सामने पेश की है, वो भी नागपुर के हैं, ज्वाइंट सीपी रहे हैं मुंबई पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, और वो भी मुख्यमंत्री के करीबी है। तो नागपुर के मुख्यमंत्री, नागपुर के अधिकारी और नागपुर के व्यापारी, ये तीनों मिलकर के महाराष्ट्र सरकार चला रहे हैं और अक्षरशः मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को लूट रहे हैं। ये हमारा मुख्य मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर हमारी आगे की भी लड़ाई और छानबीन जारी रहेगी। बताए ना आपको, मुख्यमंत्री का नाम देवेंद्र फडणवीस है, मुख्यमंत्री का नाम देवेंद्र फडणवीस है, उनके जो निजी सहायक थे, सेक्रेटरी थे सीएम ऑफिस में, जो भी एमएमआरडीए में है उनका नाम प्रवीण दराड़े जी है, और जो ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक हैं वो मिलिंद भरांबे जी हैं, ये तीनों नागपुर के हैं। मैंने कल ही अखबारों में ये पढ़ा कि अफरोज शाह को वहाँ के कुछ गुंडे, बदमाश, गर्दुल्ले साफ सफाई नहीं करने दे रहे हैं। न्यूज पढ़ने के एक घंटे के अंदर मैंने अफरोज शाह को फ़ोन किया, इससे पहले मैं उनके साथ साफ सफाई में शामिल हो चुका हूँ। मैंने उनको वादा किया है कि अगली सफाई की डेट आप मुझे बताना, मैं खुद अपने लोगों के साथ आऊँगा, और वर्सोवा बीच की जो साफ सफाई का अभियान चल रहा है वो यूं ही जारी रहना चाहिए, और उसमें अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो अफरोज शाह और उनके पूरी टीम के साथ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी ताकि वर्सोवा बीच की सफाई जारी रहे। बिल्कुल मदद करनी चाहिए, जो वर्सोवा पुलिस स्टेशन की जवाबदारी बनती है कि अफरोज शाह और उसके जैसे जो व्हाइट कॉलर लोग हैं जो वर्सोवा बीच की सफाई के लिए एकदम कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, ऐसे लोगों को अगर गुंडे बदमाश रोकना चाहते हैं तो ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, ये मामला कोर्ट में है और हमारे पास टोइंग वैन एसोसिएशन के प्रमुख ज्ञानेश्वर जी बैठे हैं, उनके वकील पोटे जी बैठे हैं, ये लोग ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री जी अपने सफाई में उनका कार्यालय यह भेजता है कि चूंकि मामला कोर्ट में है इसलिए पूरे प्रकरण के ऊपर वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, जबकि जो लोग केस लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ इस विषय पे, उनकी रिपोर्ट यह है कि अब तक 3 बार आदरणीय माननीय जज महोदय ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि आप अपना जवाब दीजिए, लेकिन लगातार 3 बार वो जवाब नहीं दे पाए हैं। आखिरी नोटिस अभी दी गई है जिसके लिए 3 हफ्ते बचे हैं। तो एक तरफ आप कोर्ट में भी जवाब नहीं दे रहे, और जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कंपनी के घोटाले की कस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो आप ये कह करके हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि ये मामला कोर्ट में और कोर्ट में जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रकरण संशयास्पद है, संदेहास्पद है, और इस संदेहास्पद प्रकरण में मुख्यमंत्री जी का हाथ दिख रहा है प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है, लेकिन पूरी जांच होने के बाद ही सब कुछ सही सही कहा जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार के बाकी डिपार्टमेंट में जहां भी विदर्भ इन्फोटेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट इसलिए रद्द होने चाहिए
कम से कम स्क्रूटनाइज होने चाहिए, क्योंकि एक केस में साफ साफ दिख गया कि इस कंपनी ने झूठ बोला है, ये स्कैमस्टर कंपनी है, और इस कंपनी के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई बल्कि इसको हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से इस कंपनी के साथ कारोबार को छुपा रहे हैं या डिफेंसिव हो रहे हैं, उससे मेरा संदेह पक्का होता है कि मुख्यमंत्री, उनके नागपुर के सभी अधिकारी और नागपुर के सभी व्यापारी, ये सभी मिलकर के महाराष्ट्र सरकार में बैठ करके बड़े पैमाने पर एक गलत गतिविधियों में शामिल है। मैं बोलते बोलते वही सुन के सोच के चुप रहा, मैं नागपुर के पत्रकार इसमें शामिल नहीं है, इसलिए मैंने कहा नागपुर के मुख्यमंत्री, नागपुर के नागपुर मूल के अधिकारी, अधिकारी तो पूरे महाराष्ट्र के हैं, वो देश के हैं, बल्कि नागपुर मूल के अधिकारी और नागपुर मूल के व्यापारी, ये तीनों का नेक्सस बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र सरकार में इस समय काम कर रहा है, और इसकी छानबीन करनी पड़ेगी, वरना ये धीरे धीरे मुख्यमंत्री को बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य तौर पर नागपुर से लेकर मुंबई तक ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके संपर्क में मैं आ गया हूँ, मुझे लोग फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है और इसमें बहुत सारे गलत चीज़ें हो रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी इस पर सफाई दें, डिफेंसिव हों, इससे बेहतर है आज के आज विदर्भ इन्फोटेक के साथ जो भी काम का, जो भी ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हो रहा है उसके ऊपर होल्ड करें, उसकी स्क्रूटनी करें, उसकी इंक्वायरी अनाउंस करें और विदर्भ इन्फोटेक को ब्लैकलिस्ट करने की घोषणा करें, ऐसी मैं मुख्यमंत्री जी से डिमांड करता हूं। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यालय और मुख्यमंत्री के करीबी जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के जरिए ये घोटाले हो रहे हैं और मुख्यमंत्री आंख मूंद करके देख रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं घोटालों का समर्थन कर रहे हैं, घोटालेबाजों का संरक्षण कर रहे हैं और ये घोटाले होते रहें और घोटाले में शामिल लोग बचें, ऐसा उनका अपना प्लान है, ऐसा प्रोग्राम है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसी हमारी मांग। मेरे का यही था कि कोई भी कंपनी जिसके पास टोइंग का एक्सपीरियंस है पिछले 5 वर्षों का, उसी को इस बिडिंग प्रोसेस में आना है। इसके बाद 27 मई को ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक ने वर्क ऑर्डर इश्यू किया विदर्भ इन्फोटेक को, यह कहते हुए कि आपने ये पूरे टेंडर प्रोसेस में जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको अबाइड बाई किया, उसको मान्य किया है, उसको आप एग्री करते हैं और उसके हिसाब से आप लीजिए और आपके पास वो सारे एक्सपीरियंस हैं। 27 मई को वर्क ऑर्डर मिलता है और बाद में विदर्भ इन्फोटेक 22 जुलाई 2016 को अपनी कंपनी के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लेकर के टोइंग का भी काम करना है हमें, यह ऑब्जेक्ट उसमें ऐड करते हैं। मतलब विदर्भ इन्फोटेक ने बहुत क्लियरली जो टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशन थी उसका वायलेशन किया और उस वायलेशन को महाराष्ट्र सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रिय साथियों ने नजरअंदाज किया, ये साफ साफ दिख रहा है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि विदर्भ इन्फोटेक नागपुर की कंपनी है, मुख्यमंत्री जी के करीबी लोगों की कंपनी है और इस कंपनी को काम मिलना चाहिए, धंधा मिलना चाहिए। इसके लिए अगर वो कोई गलत बयानी भी करता है और किसी कंडीशन में फिट नहीं बैठता तो भी दीजिए, और ये देने के लिए नागपुर के ही एक आईपीएस अधिकारी से कागज साइन करवाया जाता है। तो एक पूरा का पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा घोटाला, जिसके तहत मुंबई के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी आफत आ गई है, उनके जेब से पैसे लूटे जा रहे हैं। पहले टोइंग का जो रेट था वो 150-200 रुपए था चार फोर व्हीलर का और 100 रुपए था टू व्हीलर का, लेकिन विदर्भ इन्फोटेक को जब से सीन में लाया गया है टोइंग के धंधे में मुंबई में, तब से जो फोर व्हीलर है उसके टोइंग चार्ज या उसका नो पार्किंग ऑफेंस का जो पूरा चार्ज है वो 660 रुपए हो गया है और जो टू व्हीलर्स हैं उसका उसका जो चार्ज है 436 रुपए हो गया है। फोर व्हीलर्स के 660 रुपए में से 200 रुपए महाराष्ट्र सरकार के पास जाता है, 400 रुपए विदर्भ इन्फोटेक के पास जाता है, जो कि सरासर अन्याय है, और टू व्हीलर के 436 रुपए में से 200 सरकार को पास के पास जाता है और 200 रुपए
विदर्भ इन्फोटेक के पास जाता है, जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। तो जिस तरीके से विदर्भ इन्फोटेक को मुंबईकरों को लूट करने की, मुंबईकरों को लूटने की छूट दे दी गई है, उस पर हमारा ऐतराज है। और मैं मुख्यमंत्री जी से डिमांड करता हूं कि अगर आप पाक साफ हैं, अगर आप इस कंपनी का संरक्षण नहीं दे रहे हैं, जो कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है, तो भी आप हमारा विश्वास जीतने के लिए, मुंबईकरों का विश्वास जीतने के लिए, इस कंपनी के तमाम ये जो टोइंग के धंधे हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसके ऊपर छानबीन लगाएं और तत्काल इस एग्रीमेंट को सस्पेंड करें और पुरानी व्यवस्था लागू करें। चीफ मिनिस्टर साहब का कहना यह है कि ये जो टोइंग कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है विदर्भ इन्फोटेक को, ये पूरे 7 वर्ष के लिए है और हर साल जो 400 रुपए का हिस्सा इनके पास जा रहा है उसमें 10% की बढ़ोतरी होगी। मतलब आज अगर 660 रुपए हैं तो उसका 10% मतलब 66 रुपीज अगले साल बढ़ जाएगा, उसके अगले साल 600 समथिंग पर 10% बढ़ेगा। तो आने वाले दिनों में विदर्भ इन्फोटेक को कमाने का एक बहुत बड़ा स्कोप दिया है, और जिस तरीके से इतना बड़ा स्कोप दिया गया है उससे स्थापित होता है कि मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि इस कंपनी को पैट्रोनाइज करने में है। सरकार एक तरफ जो है ऐड चला रही है कि मैं लाभार्थी किसानों के नाम सामने आ रहे हैं, किसानों को दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि विदर्भ इन्फोटेक भी एक लाभार्थी है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं, उनके परिवार के भी कुछ लोग लाभार्थी हैं सही मायने में, लेकिन लाभार्थी का जो मूल अर्थ है मराठी भाषा में, जो मैं समझता हूं, वो बहुत अच्छा नहीं है। नाजायज तरीके से लाभ कमाने वालों को लाभार्थी कहते हैं, जहां तक मेरा नॉलेज है। और 22 जुलाई को ये कंपनी कंपनी अफेयर्स डिपार्टमेंट को नोटिस देती है कि हमने 22 जुलाई को अपनी एजीएम में, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजीएम में ऐसा तय किया है कि हम टोइंग का भी धंधा करेंगे। दैट मीन्स दिस कंपनी वॉज नॉट एट ऑल कॉम्पिटेंट फॉर द टोइंग बिजनेस। That means this company was not having any experience of towing business. That means the traffic department or joint CP traffic police ने जो work order दिया है, that is a direct violation of the tender document. अब मुख्यमंत्री अपने जवाब में कहते हैं कि हमने KPMG के जरिए, वो मैं पढ़ के सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब ये बीजेपी वाले ऐसे ही बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को बहलाते रहते हैं। कि मुंबई वाहतूक पुलिसानी KPMG या संस्थेची टेक्निकल कंसल्टिंग एजेंसी म्हणून नियुक्ती केली होती और त्यांनी ऐसा ऐसा एक टर्म्स एंड कंडीशन दिला होता, तो KPMG का नाम तो ले लिया आपने, लेकिन KPMG ने जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया था उसका वायलेशन हुआ। और इसलिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद अपने अधिकारियों को क्लीन चिट देते हैं, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। अब एकदम क्लिंचिंग एविडेंस है यहां पे, कम से कम अब मुख्यमंत्री क्लीन चिट न दें और हाईकोर्ट के ऑर्डर के की आड़ में छुप करके इस केस के मेरिट पर बोलने से कुछ कतराए नहीं। इसलिए मेरी डिमांड है कि तत्काल विदर्भ इन्फोटेक के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो टर्मिनेट मत करिए, सस्पेंड करिए, क्योंकि टर्मिनेशन का प्रोसेस अब कोर्ट केस में होगा। Court has to take a final call on this, but government in its own authority, after going through these papers, can suspend the whole operation of Vidarbha Infotech. इसके साथ साथ Vidarbha Infotech का और जो कामकाज महाराष्ट्र सरकार के पास है, महाराष्ट्र सरकार ने दे रखा है, जैसे मैंने सुना IT डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा काम है, उसकी तलाश जारी है। संभवतः IT डिपार्टमेंट के पास इस प्रकार की चिट्ठी गई है CM ऑफिस से कि महाराष्ट्र सरकार जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदेगी, इट हैज टू बी स्पेसिफाइड बाय विदर्भ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। मतलब लंबा चौड़ा कमीशन खाने का जुगाड़ क्या है, अभी हम कर रहे हैं इस पे काम।